वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो फिर आज क्या प्लान है आपका? आपके एग्जाम रिटन तो खत्म हो गए हैं, तो अभी है आपका आज ओरल एग्जाम। मतलब बोलना, सिर्फ बोलना है। क्या बोलना है इसमें? फोर थ्री डी शेप्स कौन सी है और रेक्टेंगल, फोर रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स, रेक्टेंगल। राइट कैसे हो गई? जल्दी बताओ। एसी ठीक है, विंडो ठीक है। विंडो कौन सी वाली? नीचे वाली। ये वाली? ये तो स्क्वायर है, ऊपर वाली। हाँ ओके। कलर्स ऑफ रेनबो, बस लास्ट क्वेश्चन बता दो जल्दी। ये चलो जल्दी से नहा के आओ, फिर चलते हैं। स्कूल में कैसे मिलेगा? स्टैंड पे। अरे मैं स्टैंड पे खुद लगा लिया। कैसे? आपने बाद में खुद भी लगा लिया अपने आप? क्या करते, लगा तो हुआ इतना तेल? आपका दिल कर रहा था, पंगे लेने का दिल कर रहा था। हट करो। इधर नहीं आना बाबा, इधर नहीं। नो इधर ही। भव्य हार गई, भव्य ने लाइन क्रॉस कर दी इधर से। हाँ चलो इधर इधर खेलो, नहीं तो जो इधर आएगा हार जाएगा। गया स्कूल पे, बस नया दिन नई सुबह सेम ऑफिस, जाना तो पड़ेगा, तो मिलते हैं ऑफिस। हेलो अरमन, कैसे हो? तो क्या किया आज? पबजी खेली। क्यों? एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा। क्या क्या पूछा मैडम ने? क्या मैडम ने बिना काम करे पूछा भी नहीं आज कुछ? क्या क्या कराए थे? पजल सॉल्व कराए थे। ओके, मेरे को वो आते भी थे। आते थे? नहीं, मैम ले लेती थी। हाँ मैं मामू का, मैम को आता नहीं है। हाँ ले लिया। हाँ जब मैं आ रही थी तो शेयर कर रहा था। हाँ उसने सारे ले लिए। क्या पजल्स? मैम ने कहा था शेयर करना, आ रहे हुए वो सारे ले लिए। ओके तो अभी हो गया आपका पजल, ठीक हो गया? नहीं। ओके हाँ क्या किया? हिमानी टीचर आए, हिमानी ने एक बच्ची बैठी थी उसकी लड़ाई होगी, उसने रिद्धि ने उसका उसके एक बिना एक रिद्धि एक टीचर में बच्ची आती रिद्धि हिमानी
उसने उसने हिमानी का हार्ड मोड उसने हिमानी के थंब दबा दिया। अच्छा फिर? हाँ, हिमानी ने उसे गुस्से से हार्ड मोड कर दिया उसका। हाँ, वो रोई फिर? हाँ, हिमानी भी रोई? नहीं, वो दोनों रो रहे। और क्या क्या हुआ? ट्यूशन में? हाँ। काम क्यों नहीं करते वो? जब कोई बच्चा गंदे काम करता है वो हंस लेते उसके उसके थप्पड़ पड़ते हैं। अच्छा, और ट्यूशन में तेरा सही चल रहा है? अभी आज क्या करवाया ट्यूशन में मैडम ने? ओके, चलो गाइस कैच यू इन फ्यू मिनट्स। A few moments later. आज हम करने वाले हैं एक और चैलेंज, और आर्यमन को लगता है कि ही इज वेरी गुड शूटर। नहीं, मैं हूं सबसे अच्छा शूटर। तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे कि आर्यमन इसी में से कौन बेस्ट शूटर है। कितनी बॉल्स मिलेंगी है? सबको 5-5 बॉल्स मिलेंगी। ठीक है, तो पहले करते हैं सेटअप, फिर मिलते हैं। तो गाइस, हम चैलेंज के साथ रेडी हैं। तो फर्स्ट चांस मिल रहा है, लेट्स गो। आ जाओ अपने अपने पोजीशंस पे। आर्यमन, आपको 5 बॉल्स मिलेंगी, 5 मिलेंगी, और आपको शूट करना है। जितने गिलास हर टर्न में गिरेंगे हम उसको काउंट करेंगे, फाइनल में देखेंगे कि ईशान और आर्यमन में से किसके ज्यादा गिलास गिरे हैं। ओके, चलो स्टार्ट। फर्स्ट बॉल आर्यमन को, ब्लू। ओके, ओ मिस हो गया। 3। तो गाइस, आर्यमन की 2 टर्न्स हो गई हैं और आर्यमन ने गिराए हैं 3 ग्लासेस, मतलब 3 पॉइंट्स। आर्यमन, थर्ड टर्न आपकी, स्टार्ट। ओ मिस, 2 पॉइंट्स। सेटअप करो। तो गाइस, आर्यमन की हो गई है 4 टर्न्स, 4 बॉल्स और 5 पॉइंट्स। लास्ट बॉल चूज करो, अच्छे से चूज करना। 8 पॉइंट आर्यमन ने बनाया। ओके, सेटअप करो। तो गाइस, हम सेटअप के साथ दोबारा रेडी हो गए हैं। अब टर्न है इशी की। चूज करो पहली बॉल, अच्छे से चूज करना। 1। इशी, आपको 8 स्कोर बीट करना है। 2 पॉइंट सीधा। तो इशू के कितने पॉइंट हो गए हैं? इशी के 2 पॉइंट्स हो गए हैं। ओके, फर्स्ट बॉल में 2 पॉइंट्स। ओके, चलो गाइस, हम रेडी हैं सेटअप के साथ। ईशी ने फर्स्ट बॉल में 2 पॉइंट्स लिए हैं। अभी है इसकी सेकंड बॉल, और अभी देखते हैं कितने बनाता है। ओके, लेट्स गो ईशी। कितने गिरा ईशी ने? ईशी ने गिरा दी है 4, तो टोटल हो गए इसके 6 पॉइंट। चलो सेटअप करो। तो गाइस, हम फिर से एक बार रेडी हैं सेटअप के साथ। ईशू के 2 बॉल में हो गए हैं 6 पॉइंट्स। मुझे लगता है ईशू थर्ड बॉल में शायद जीत जाएगा। लेट्स गो, चलो क्लोज कॉल। चलो, फास्ट, शाबाश। तो अभी हम सेटअप के साथ रेडी हैं। इशू के 3 बॉल्स में हो गए हैं 7 पॉइंट, और आर्यमन के हैं 5 बॉल्स में 8 पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ 1 बॉल दूर, इशू सिर्फ 1 बॉल दूर है जीतने से, अगर वो करेगा तो। हाँ, देखते हैं। लेट्स गो, बॉल हो गया। और फाइनली ईशी हैज वन। ईशी हैज पाव। थैंक यू गाइस आपके सपोर्ट के लिए। आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया, जैसे आप देख सकते हैं, और हम आपको ऐसे ही नए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।